जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब, और कैसे आपके हालचाल। तो आज मैं लौट आया हूँ आपके साथ रोडीज रेवोल्यूशन के जीडी रूम में। क्या सवाल पूछे गए, पर्सनल इंटरव्यू राउंड तक जो गए उनसे क्या सवाल पूछे गए, और सबसे जरूरी कि रोडीज एक सच है कि झूठ, इस वीडियो में पता लगने वाला है। तो आइए जाने सच और झूठ। सबसे पहले आप सबका बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए। मेरे कुछ भाइयों ने यह सवाल पूछा कि आपका रोडीज में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप इतनी सारी बातें क्यों करते हो। सर, मेरे कुछ भाइयों को अंग्रेजी नहीं आती, कोई बुरी बात नहीं है, तो उनके लिए अगर मैं वो अंग्रेजी के सवाल हिंदी में बता सकता हूं, उनको समझा सकता हूं उन सवालों का मतलब, तो उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। कोई इंसान अपनी हार के बारे में बात नहीं करता, जब इंसान सक्सेसफुल बन जाता है तब बताता है, हाँ मैंने ये किया, मेरे में ये कमी है कि मैं अपनी हार से आपकी जीत कराना चाहता हूं। काफी सारे लोगों का मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज आया है कि आपकी वजह से हम पीआई तक पहुंचे हैं। तो सर, अगर उनकी जीत है तो यकीन कीजिए मेरा, ये मेरी भी जीत है। तो आइए अब जीडी के रूम की तरफ चलें। तो सबसे पहले गाइस, मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने आपको बताया था पहले अपनी कि एक छोटी सी गेम है, वो मैं समझाऊंगा, पूरी वीडियो आराम से देखना, छोटी वीडियो बनाऊंगा बट बड़ी सेंस वाली वीडियो होगी। सबसे पहले मैं 7 बजे गया था, तो मेरा नंबर तकरीबन 4-4:30 के अराउंड आ गया। लोगों का कहा, मुझे कमेंट आया कि यार जो मेरे साथ लाइन में थे उनका नंबर शाम को 7 या 8 बजे आया, तो मेरा उनसे 4 घंटे पहले कैसे आ गया। इसका जवाब इस वीडियो के कुछ 1 मिनट बाद दूंगा। सबसे पहले आराम से चलते हैं कि जीडी रूम में मैं गया तो क्या हुआ। सबसे पहले लाइन थी, लाइन में गए। अब जीडी रूम के अंदर मैं घुसा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूं कि जीडी रूम, कई लोग ये पूछते हैं कि जीडी रूम होता कैसा है, अंदर क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, एक आपका मॉडरेटर होता है, एक जज होता है, और उसके आसपास कुर्सियां लगी होती हैं। इस तरह आपको मैं समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये जीडी जो लेते हैं वो यहां पर होते हैं, और एक सी बना होता है, यहां पर कुर्सियां लगाई होती हैं और यहां पर हम सारे लोग बैठते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर जज होता है जो कि हमसे सवाल पूछता है, और इस तरफ हम एक सी बनाते हैं और यहां पर कुर्सियां लगी होती हैं और यहां पर हम बैठते हैं। तो अब मैं कहां पर बैठा था, मैं इस तरफ बैठा था, आप देख सकते हैं मैंने सर्कल कराए, मैं यहां पर बैठा था। अब ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा सारे नर्वस थे, क्या होगा कैसे होगा। मेरे जीडी रूम में क्या हुआ ये बताता हूं। सबसे पहले यार, जाते ही ना वहां पे तारा जी भी थे जो एक्स रोडी भी रहे हैं, तो जो जज थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, एक तारा जी और एक साथ में और जज थे, तारा जी थोड़ी देर बाद चले गए थे, पर जो एक जज थे वो वहीं पर थे। तो सबसे पहले जो हुआ ना, तो एक लड़का जो पहले लड़का बैठा था उसको क्या पूछा, अच्छा तू बता आज क्या बात करे। वो लड़का डर गया, हाँ जी सर सॉरी सर क्या बोला आपने, वो डर गया कि ये क्या पूछ दिया, क्योंकि हर इंसान इस तरीके से प्रिपेयर होके जाता है कि यार हम तो जवाब देंगे, पर जज ने उसी से सवाल पूछ लिया, अच्छा तू बता किस बारे में बात करे। पहले तो उसने 2-3 बार पूछा, देखो यही नेगेटिव चीज आ गई उनको, आपको ये देखो एक बार कुछ सवाल पूछ, सबसे पहले ये बात सुनो, कोई तुम्हें एक बार सवाल पूछता है ना उसी वक्त जवाब दो, क्योंकि उनको भी पता है क्या होता है कि नर्वसनेस दिखती है जब आप बोलोगे ना सर सॉरी सर आपने क्या बोला, सॉरी सर एक बार रिपीट करना सर, ये चीजें नेगेटिव इंप्रेशन देती है, तो ये मत करिएगा ठीक है। उन्होंने एक बार सवाल पूछा, उसी वक्त फोकस्ड रहो, वहां पर घुसे हो उसी वक्त ध्यान रखो कि कोई मुझे क्या सवाल पूछेगा, उसी वक्त जवाब देना है, बैड इंप्रेशन नहीं देना। तो उसको सवाल पूछा, भाई तू बता कि आज किस बारे में बात करें, तो वो थोड़ा हकलाने लगा, सर सॉरी सर क्या बोला आपने सर, अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे पहले बैड इंप्रेशन पड़ गया उनको, उसको लगा होगा हाँ नर्वस है लड़का, कॉन्फिडेंट नहीं है। अच्छा, एक दो बार करने के बाद सर ऐसा करते हैं रोडीज के बारे में बात कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं हम कुछ भी बोलना, ये कैब के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि कैब के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली मैं नहीं जाना चाहता, जो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि लोग भिड़ जाते हैं लड़ जाते हैं। बट फिर उन्होंने बोला चल तू बता कि रेवोल्यूशन के ऊपर बता, इस बार हमारा टाइम हमेशा, मेरी पिछली वीडियो देख लो, ये नहीं कि मैंने पहले ऑडिशन में जाने के बाद ये बात बोली, पहले देख लो यही बोला था कि रेवोल्यूशन ने, यार अगर टाइटल रोडीज रेवोल्यूशन है तो ये तो ऑफ कोर्स है ना रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, रेवोल्यूशन समझा चुका हूं क्या होता है, क्रांति ठीक है। अब पुणे ऑडिशन आ रहे हैं तो उन सब वो सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अब उन्होंने पूछा कि रेवोल्यूशन क्या है, क्रांति बताओ। उस लड़के ने बोला सर, अपना जवाब देने लग गया, तो क्या हुआ कि ना इस टाइम पर ये सबसे जरूरी टाइम था जब लोग ना आपस में भिड़ने लग गए, इस टाइम ना जीडी शुरू हो गया। यहां से एक लड़का, जैसे एक सी बना हुआ है, यहां से एक लड़का बोल रहा है, यहां इस लड़के को सवाल पूछा, यहां से ये लड़का बोलने लग गया, यहां से लड़का बोलने लग गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं चुप रहा, मैं देखना चाहता था कौन बोल रहा है, क्योंकि जो बोलेगा मैं चाहता था उसको ओवर रूल करूं।
एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, जब मैं अंदर गया तो एक लड़की पहले से वहां पर बैठी हुई थी, ठीक है, तो शायद उसका जी टू हो रहा, कई लोग पूछते हैं जी डी टू कब होता है, जी डी वन और जी डी टू सेम दिन हो रहा था उस दिन, मतलब जो लड़के बच्चे सिलेक्ट हो रहे थे उसी दिन वहीं पे बैठे रहो, यहीं पे जी डी टू हो गया, समझे? ओके, अब आगे चलते हैं। तो जब ये बहसबाजी हो रही थी तो मैं बीच में घुसा, यहां पर सिर्फ 3 या 4 लोग बोल रहे थे इस टाइम पर, ना वो जो जज थे वो नोट कर रहे होते हैं, उसका ध्यान तो वो इधर उधर देख रहे थे पर कान चल रहे होते हैं उनके, अच्छा देख रहे थे कौन कौन बच्चा बोल रहा है, तो मैं बीच में घुस गया। हाँ जी यार, तो तुम, एक लड़की बोलने लगी, सर इन लोग, लड़की जो वहां पर बैठी थी, सर इन लोगों को क्या बताना, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होगा, रेवोल्यूशन बस बातें करेंगे, कर रहा तो कुछ होगा ही नहीं। मेरे को एकदम गुस्सा चढ़ गया, मैं, इस लड़की ने ऐसे कैसे बोल दी, इनको, इसको हमारे बारे में पता कुछ है नहीं। उसी वक्त मैं उस लड़की को बोला, मैं, हाउ कैन यू से दिस, मैं, तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम बस बातें, लड़कियां, मैंने उन्हें उसको बोला, मैं, लड़कियां आजकल सिर्फ बातें करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, पर खुद वो लड़कों को दबा रही हैं, उल्टा हो रहा है, क्योंकि मेरे को ये फील हुआ कि आपने बिना हमें जाने आपने ये कैसे बोल दिया कि ये लड़के कुछ करते नहीं, आप मेरे बारे में क्या जानते हो, अभी तक मैंने कुछ बोला ही नहीं है तो आप मेरे बारे में कैसे जानते हो। उस वक्त मैंने बोलने लग गया तो ना वो फिर उसी वक्त जो जज थे, अरे भाई बस चुप हो जाओ, एक एक करके जो लड़का खड़ा हुआ, जो पहला लड़का था जिससे उन्होंने बोला था टॉपिक के बारे में बता, उसको पूछा, हाँ बता, खड़ा हुआ एक लड़का, बस ना गिनती करना है, हुआ क्या है सुनना ध्यान से, उस लड़के को पूछा, बिठा दिया, फिर एक लड़के को और खड़ा किया, जो इस तरफ ये लड़का था, तो जो इस तरफ लड़का था, हाँ भाई तू खड़ा हो, तो उस लड़के को, हाँ जी सर, वो लड़का हकला रहा था, कॉन्फिडेंट नहीं था सर, वो ये सर हकला रहा था, डर रहा था लड़का, यार डर होता है, हर इंसान के अंदर डर होता है, इंसान हो तो डर लगता है, अब उसके आगे ओवरकम कैसे करना ये जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जज सीधा यहां पर, अगर ये लड़का था ना, उसके बाद सीधा वो मेरे पास आ गया, तकरीबन ऑडिशन उस जीडी रूम में तकरीबन 20 लोग होंगे, सीधा मेरे पास आ गया, कुछ तो होगा तुम्हारी दी मूविंग शिप में, जो उसने देखा और मुझे बोला, चलो, मेरे को पूछा, हाँ भाई तू बता रेवोल्यूशन क्या है, मैंने बोला सर, मेरा आंसर ये था, मैंने, सर मेरे लिए रेवोल्यूशन 4 साल से चल रहा है, रेवोल्यूशन एक क्रांति है, मैंने यही बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कुछ, मैं तुम्हें ऑल्टर करके बताता हूँ, जो मैंने वहां बोला क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूँ, मैंने बोला सर क्रांति के बारे में, तो जो क्रांति होती है असली वो भगत सिंह के टाइम पर हुई थी, जब उन्होंने फांसी ले ली, इसको कहते हैं क्रांति, जब बम फोड़ दिया, ये है क्रांति। आज की क्रांति क्या है, जब टीवी चलता है, जब कैमरा चलता है, तब लोग काम करते हैं, वैसे दिल से कोई काम करना नहीं चाहता देश के लिए। तो तुम हैरान हो जाओगे जान के कि सिर्फ जीडी रूम में मैं बोल रहा था, बाकी सब सुन रहे थे। आगे मैंने ये बताया कि सर मेरा, मैं, तुम्हें पता ही होगा मेरे बारे में, जान गए होगे सारे कि मेरा एनजीओ है एसके चिल्ड्रन फाउंडेशन, इंस्टाग्राम पे भी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तुम्हें उस बारे में बताया कि सर मैं फाउंडर हूँ, 18 साल की उम्र में एक फाउंडर बन चुका हूँ मैं, ये फिर उसके बाद मैंने टोपी डाली थी, उनका ध्यान मेरे पे था, उन्होंने मेरे को क्यों बोला, उन्होंने मेरे को ये बोला अपनी टोपी उतार, कुछ तो होगा तभी उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने मेरी टोपी उतारी, उन्होंने मुझे देखा, तुम बिलीव नहीं करोगे। उसके बाद ना सिर्फ एक और लड़के से पूछा, सिर्फ 15 सेकंड के लिए, उसके बाद जाओ खत्म। क्या जीडी खत्म? हाँ जी। अगर तुम सोच रहे हो यार, जो लड़के मेरे साथ, जो लड़का बैठा था वो 8 साल से ऑडिशन में आ रहा था, वो मेरे को कहता भाई मेरे से तो नाम भी नहीं पूछा, सोच सकते हो ये हुआ है ऑडिशन में, जीडी रूम में, सिर्फ जो आपके सामने यहां बोल रहा, ये नहीं मैं यही बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ और ढंग से बोलता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, मैंने अपना पॉइंट पर अच्छे से रखा। उसके बाद किसी को भी जीडी रूम में अपना नाम, तकरीबन 20 से 25 लोग थे, मैंने बोला और पहला लड़का और दूसरा 3 से 4 लड़कों, मेन अगर ऑडिशन हमारा जीडी रूम में 10 मिनट का हुआ है तो उसमें से 8 मिनट मैंने बोला है, 8 मिनट मैंने बोला है, सोचो इतना मैंने में दम था, तो मैं बोल के बोला, मैंने कॉन्फिडेंटली आवाज ऊंची करके बोली। अब मतलब मेरा ऑडिशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, मेरा अच्छा हुआ ऑडिशन, नो डाउट। अब आगे चलते हैं। अब ये जब हुआ, अब यार मेरे को सवाल, अब तुम लोग ये पूछोगे भाई इतना बढ़िया ऑडिशन हुआ तुम्हारा, मुझे पता लोगों का सवाल आएगा, भाई तेरा इतना बढ़िया हुआ तो तू गया क्यों नहीं आगे, है ना, ये कहोगे ना। अब यार ये जानो, जो मेरे को फील हुआ, मेरा ऑडिशन इतना अच्छा हुआ, जो मेरे साथ 2 लड़के थे ना, वो उनका ऑडिशन सुबह हुआ, मेरा 4:30 हुआ तो उनका 2 बजे हो गया था, उनका सिलेक्शन हो गया आगे, कहां तक,
एफबीआई राउंड तक, पर्सनल इंटरव्यू राउंड तक। मैं अपने कल इंस्टाग्राम पे उसकी एक स्टोरी में डाली थी लड़के की स्क्रीनशॉट, जो मेरा दोस्त है जिसको पीआई तक हुआ, वो बॉम्बे जा रहा है, ठीक है। काफी लोगों की मैंने वीडियो देखी, ये जो विजय पवन सिंह जी, जो पता नहीं विजय सिंह है, आई डोंट नो, आ रहा था, उनकी मैंने वीडियो देखी, वो कहते भाई ये तो सब बकवास है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मैं जानता हूं जो पीआई में गया। यार मेरा दोस्त गया है मेरा, मुझे एक बात बताओ, मुझे तुम्हें झूठ बोल के, अगर मेरा ही नहीं हुआ तो मैं मुझे तुम्हें झूठ बोल के क्या मिलेगा, मेरे को तो कुछ नहीं मिलेगा ना यार, व्यूज तो वैसे ही आ रहे हैं, तो मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूंगा। मैं भैया सच चलता हूं, मैं सच के सिवा मैं नहीं बोल सकता। आप लोग मेरी, यार लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो ना, हम जुड़ जाते हैं, मैं आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के। मेरा दोस्त पीआई तक गया है बॉम्बे, वो जा रहा है, मुझे नहीं पता कब, पर उसका मुझे मैसेज आया, भाई तेरी वीडियो देखी मैंने, उसने तारीफ की वीडियो की, उसके बाद उसने मुझे बताया भाई मेरा पीआई तक हो गया। मैं यार बहुत बधाई, उसको मैंने पूछा भी, तो मैं उसके बारे में आगे बताता हूँ कि टिप्स में आगे जब टिप्स दूंगा तो उसके बारे में बताऊंगा कि उसने क्या बताया कि कैसे क्रैक करो। अब पर जीडी पे बात कर ले थोड़ी, तो ये सवाल था रेवोल्यूशन क्या है, तो ये सवाल मेरे से जीडी में पूछा। तो यार क्या होता है कि जब तुम जाते हो ना, उस वक्त मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो जो मेरा माइंड कहता है, शायद इस वजह से क्योंकि वो जो बंदा बैठा था ना वो थक गया था, या तो यार क्योंकि ना मुझे क्योंकि जीडी रूम जब तुम जाते हो जीडी देने, तकरीबन 8 से 10 जीडी रूम होंगे, मतलब एक टाइम पे 100-150 लोगों का ऑडिशन हो रहा है। तो अगर सुबह से सोचो 8 बजे से ऑडिशन चालू हो गए, 8, 9, 10 तकरीबन 6-7 घंटे में वो कितने लोगों को निकाल चुका होगा। हाँ भाई मुझे ये फील हुआ कि वो बंदा एक लड़की को बिठा के बात कर रहा था, जो लड़की में मुझे इतना दम नहीं लगा उससे वो बात कर रहा था, मतलब लड़की का जीडी राउंड 2 चल रहा था, लड़की में तदम नहीं था फिर भी वो लड़की के पीछे था। जहां मेरे को फील हुआ कि उसने कोई फिजिकल टास्क भी नहीं कराया, वो इंटरेस्टेड ही नहीं था, जो वो बंदा था वो नहीं इंटरेस्टेड था किसी को लेने में, चाहे कोई भी आ जाता, एक्स रोडी भी आ जाता ना, मैं गारंटी दे रहा हूं वो बंदा लेता ही ना किसी को, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ कोटा होता होगा। एक जैसे मान लो एक जीडी रूम में एक बंदे, यार अब देखो सेंस वाली बात है ना, अब मैंने मेरी मैनेजमेंट रोडीज की होगी तो मैंने बोला होगा भाई दिल्ली से 200, 500, 300 एक नंबर दिया होगा, इस नंबर से ऊपर नहीं, मान लो 100 नंबर दिया कि भाई सर 100 बच्चा उठाना है। 8 बजे से 6-7 घंटे बाद मेरा 4 बजे नंबर आया, तो उस टाइम में उस बंदे ने मेरे हिसाब से लड़कों को सिलेक्ट कर चुका था वो, जो वो आगे लेके जाना चाहता था। अब तुम कहोगे यार बाद में शायद किसी का हुआ होगा, कौन जो थोड़े से मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है या कुछ जो अजीबोगरीब जवाब देते हैं, मैं ड्रग्स करता हूँ, मैं नशे में रहता हूँ, मुझे स्मगलिंग, मतलब कुछ जो गलत चीज, जो गलत जो होता है ना, जो कंटेंट दे। कई बार तुमने रोडीज में देखा होगा कई लोग ऐसे आते हैं जो पागल से होते हैं, आते हैं ना, तो वो कौन से लड़के होते हैं, यही लोग होते हैं जो बाद में उनको लगता है भाई सिर पे रहा है टीआरपी दे देगा। तो मेरे ऑडिशन में जो मेरे को फील हुआ, जो मेरी जजमेंट थी, क्योंकि मेरा ऑडिशन बहुत बहुत अच्छा गया था, पर उस इंसान ने क्यों, जहां तक मेरी रीडिंग है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो जो लड़के थे जिसको वो चुनना चाहता था, जितने लड़के वो चुनना चाहता था वो चुन चुका था, उसके बाद वो आगे नहीं लेना चाहते थे इसलिए, बट फिर भी हम हमेशा खुश रहते हैं और हम कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे साथ बोलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब जब दूसरे जीडी में जो मेरे दोस्त थे उनसे क्या सवाल पूछा, ये भी सुन लो, तुम प्रिपेयर जब कर रहे हो हर चीज के लिए रेडी रहो, ठीक है। उससे पूछा कि जो मेरे नहीं, जो दूसरे दोस्त था उसके जीडी रूम में ये सवाल पूछा, भाई तेरे फॉर्म में जो तुमने लिखा इसके अलावा बता क्या। अब आप सोचोगे भाई ये तो भाई घुमा दिया ना, इसलिए पहले से दिमाग को प्रिपेयर करके जाना, ये सवाल पूछा था कि भाई जो तुमने फॉर्म, अब तुम फॉर्म में सब कुछ लिख दोगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी में हुआ है, तो उसके जीडी रूम में जज ने ये पूछा, भाई जो तुमने फॉर्म में लिखा है इसके अलावा कुछ बता। चुप मत हो जाना, कुछ ना कुछ बोलना, ठीक है। तो ये था जीडी, तो आई होप आपको समझ आया हो कि मेरे जीडी रूम में क्या हुआ। अब मेरी टिप सुन लो, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आप सबके लिए, सुनो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मैं जल्दी कैसे घुसा, यही जो छोटी सी चीज थी, और ये छोटी सी चीज थी जो मेरे को फील हुई। मैं जब, मैंने आपको बताया था सुबह जल्दी आने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो 12 बजे आया था मैं उसके साथ लाइन में खड़ा था, कैसे, जो बाउंसर खड़े थे उससे मैंने बात कर ली, सर मेरा ना थोड़ा सामान है, मैं पीछे से गया, ठीक है। मैंने बाउंसर को बोला सर मेरा ना, क्योंकि क्या हुआ कि मेरे पास टिफिन था तो मुझे गाड़ी में रखने जाना था, तो मैं पीछे से जो पूरी लाइन से निकला। अच्छा एक ने पूछा यार वॉशरूम अगर आए, लाइन में लगे हुए हैं, वॉशरूम अगर आए तो क्या करें, कोई चिंता नहीं है भाई, लाइन से निकल जाओ, वहां पे बाउंसर को बता देना भाई मैं वॉशरूम करने जा रहा हूं, वहां से फिर लाइन टाप के तुम वापस आ सकते हो। अब मैंने क्या, मान लो बहुत लंबी लाइन थी यार मेरी जहां मैं खड़ा था, मैं निकला पीछे से वापस गया गाड़ी में, मैंने सामान रखा, फिर मैंने देखा एक छोटा सा गेट था जहां बाउंसर आने नहीं दे रहे थे, मैं उसके पास गया, मैं बोला यार भैया वो ना
वहां से मुझे जाना है अंदर, तो मुझे जाने दीजिए, क्योंकि ना मैं लाइन में लगा हुआ था, बस सामान रखने बाहर गया था। अब बात कर रहे पे तब होना चाहिए ना, तो उसे बोला हाँ ठीक है जाइए। जब मैं अंदर गया तो बिलीव नहीं करोगे, जहां से मैं गया वहां से घूम के सबसे जो स्टार्टिंग वाली लाइन थी ना, मैं वहीं पे खड़ा था, मूविंग शिप आगे चला गया। अब तुम बोलो भाई ये तो धोखा है उन लोगों के साथ। ब्रदर ये आपको डिसाइड करना है कि तुम्हें अपना टाइम कितना लगाना है, या तो सिलेक्ट हो जाओ या तो सोचते रहो। स्मार्ट मूव, स्मार्टनेस एक अलग चीज है, बेवकूफी एक अलग चीज है। आपको लगता है यहाँ पे मैं 6-7 घंटे खड़ा, और तुम्हें एक और बात बताऊं, मेरी वीडियो देख लो व्लॉग वाली, मेरे साथ जो लड़का था ना, नेपाल से लड़का आया था, एंड जो मोहम्मद कुछ नाम था ब्रदर का, उसने जो वो मेरे साथ खड़ा था सुबह 7 बजे, जब मैं वापिस जा रहा था ना घर, तब भी वो गेट के बाहर लाइन में खड़ा था। वो कहता भाई मुझे लगता है मेरा ऑडिशन नहीं होगा, क्योंकि 7 से 8 बज गए थे जब मैं बाहर गया, तो वो कहता भाई लगता है मेरा ऑडिशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना लड़ाई हो गई तो उन्होंने बाहर कर दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी, आगे लड़ाई हो गई इसलिए उन्होंने बाहर कर दिया। अब ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे आगे जाना है, ठीक है? तो मैंने ऐसा किया। मैं देखो अब तुम्हें ये चीज मेरा क्या, मुझे अगर मैं तुम्हें ना भी बताता मुझे क्या फर्क पड़ता, मेरे को कोई सोचे यार ये चीजें सीक्रेट है, तो मेरे लिए मैं सच के साथ चलता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो, तुम सब्सक्राइबर्स हो मेरे, मेरे फैमिली हो, तो अपनी फैमिली के साथ मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरा दिल ये अलाउ नहीं करेगा। ओके अब आगे चलते हैं, छोटी सी बात, और अब ये समझो कि जल्दी कैसे जा सकते हो, समझ गए कि मैं आगे इस तरह गया तो जो मैं पहली लाइन में खड़ा था, तो मेरे साथ जो लड़का था वो मेरे को थैंक यू कह रहा था, भाई थैंक यू भाई तूने आगे पहुंचा दिया। तो ऑफ कोर्स जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप भी स्मार्टली जाना, और स्मार्ट ये नहीं कि मैंने किया, मेरे साथ जो लड़के थे बस थोड़ा सा फास्ट बनना पड़ता है, तेज बनना पड़ता है, यदि आप खड़े रहोगे तो ऐसे खड़े रहो, ठीक है? अभी आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं, कैसे जल्दी जाऊं। अब पीआई रूम में जब जाओ, ध्यान से सुनना बात मेरी, जब जीडी रूम में जाओ चुप मत होना, चुप मत होना यार। अब ये सोच के देखो, मेरे जीडी रूम में उन्होंने नाम भी नहीं पूछे। अब तुम ये बेवकूफी मत करना कि तुम वहां पर वेट मत करना कि कोई तुमसे पूछे, नहीं पूछ रहा, खुद बोलो सर आप बात सुनिए, आपस में भिड़ने लग जाओगे तुम, क्योंकि क्या होगा कोई जो जज होगा ना सबको बोलेगा अरे चुप, अरे मत। अब तुम उसकी बात मान लो, क्योंकि वो तुम अगर वो तुम्हें बोलने नहीं देगा पर तुम्हें बोलना है, आपस में भिड़ो यार, तू ये कैसे बोल सकता है, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है सर, ये क्या बात कर, बस सेंस बनाना, ये नहीं कि किसी बेवकूफों वाली बात पे झगड़ने लग जाना, सेंसिबल सेंस बने, तुम्हें लग रहा हाँ ये बिल्कुल गलत, जैसे लड़की ने बोला कि यार यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं किसी ने कुछ किया होगा, मैंने उसी वक्त उसको बोला मैं तुम कैसे बोल सकते हो हमें, अगर आप हमें जानते नहीं आप कैसे, समझ आई ना, सेंसिबल बात पे तुम उसमें भिड़ना। जब तुम अब मेरे को उसने, उस बंदे ने मेरे को क्यों पूछा, क्यों? क्योंकि उसने देखा कि भाई मैंने यहाँ पे बात की है, मेरी आवाज उठी है, मेरी आवाज सुनाई दी है, तो अपनी आवाज खुद उठाना। छोटी सी बात, और अगर तुम्हारे पास कुछ सर्टिफिकेट है, कई लोग मैंने देखे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं कहीं पे अगर स्टेट खेले हो, कुछ स्पोर्ट्स में रहो, कुछ भी रहो, सर्टिफिकेट लेके आना, आते ही वहां पे जज को दे देना, सर ये एक बार देखिए सर, थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ जाता है। टैलेंट अगर वो ना मांगे दिखाओ। अब भाई पता क्या होता है, हमें उसको नहीं चाहिए, तुम्हें अपने आप को आगे खुद दिखाना है कि सर ये देखो सर मैं यहां पर हूं। अब देखो कुछ तो, अब यार जो मेरे साथ खड़े थे, जो 10-10 घंटे से बच्चे खड़े थे, उनसे उनका नाम भी नहीं पूछा। अब यार तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो घर चले जाओगे। अब मैं खुश क्यों, मैं सैटिस्फाइड क्यों था पता है, क्योंकि मैंने बोला, मुझे पता है हाँ भाई मेरा अच्छा हुआ, अंदर से एक सैटिस्फैक्शन थी, हाँ भाई करके आया हूँ कुछ। बाकी उसे तो नाम भी नहीं पूछा, उम्र भी नहीं पूछी, बैठे उठ के चले गए बाहर। बाहर पता जब मैं गया, मेरा लोगों ने हाथ मिलाया कि काफी अच्छा हो, काफी लोगों के साथ ही हुआ, मुझे कमेंट इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे किसी ने मुझे बताया कि मेरा बड़ा अच्छा ऑडिशन हुआ, सिर्फ मैंने बोला पर बाहर गया पर कॉल नहीं आई। यही वजह थी जो मैंने पहले बताई है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप जीडी रूम में जाओ अपने आप बोलना, कोई तुमसे नहीं पूछ रहा, खुद बोलना, टैलेंट को सर एक बार ये, सर एक बार पुशअप लगा के दिखा दी, अरे तू मेरे साथ आजा पुशअप पे, अभी दिखा दूंगा कितना दम है मेरे अंदर, पुशअप पे नहीं बात में, सर बेवकूफों वाली बात कर रहा है सर ये आदमी, क्या बोल रहा है, तुम पर सेंसिबल, ये नहीं कि मैं तुम्हें कह रहा कोई तुम्हें बोले भाई 2+2=4 होता है तो तुम उस पर भिड़ने लग जाओ, नहीं भाई 2+2=5 होता है, बेवकूफों वाली बात में नहीं, जो बात सही है, जो बात पे सेंस बने उस पर भिड़ना, गलत बात पे मत भिड़ना, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनेगा, है ना? तो जो सेंसिबल हो उस पर सही टाइम पर भिड़ना। अब वेट मत करना कि भाई कोई तुमसे, तुम्हारी बारी आएगी, अच्छा भाई तू बता, ऐसा नहीं हो। अब देखो मेरे ऑडिशन में नहीं हुआ ऐसा, तो उसकी वेट मत करना कोई तुमसे पूछेगा, अपने आप घुसना, अपने आप भिड़ना, तब जाकर कुछ होगा, ठीक है? समझ गए? अब आ जाओ, अब अगले बात पहुंचते हैं, जो मेरे दोस्त पीआई तक गए, उन्होंने मुझे क्या कहा। एक लड़का नाम दिवांश है, एक लड़का अवि है, अब देखो लोगे उनको टीवी पर भी, तो यार उन्होंने ये बताया, अब जो अवि था मेरा फ्रेंड, उसने मेरे को ये बताया कि भाई 3 GD राउंड हुए। अब सब दुनिया को पता है 2, अब मैं बता रहा हूं 3,
कुछ तो पता होगा ना यार, मैं जानता हूँ तभी बता रहा हूँ, मेरे को क्या शौक है, मैं थोड़ी मन से थोड़ी 10-15 बना दूंगा। 3 GD राउंड हुए, दो जीडी राउंड वहीं पर हुए, तीसरी जीडी राउंड के लिए डाउन के लिए बाद में बुलाया। वो कहते हैं जो दिवांश था उसने उन्होंने मुझे बताया कि रात को, उसी रात को 11 बजे कॉल आ गया कि भाई अगले दिन जीडी के लिए आ जाओ। ठीक है, जो अभी लड़का है उसका ऑडिशन कहता बहुत टफ था, पर कोई, अब उसने मुझे बताया कि भाई कोई टैलेंट नहीं पूछा, सिर्फ पर्सनैलिटी देखी और उसके इंसान के बारे में जानना चाहा। अब ये भी कई लोग कहते हैं ना यार बॉडी से हो जाता है, वो जो लड़का PI तक हुआ उसकी बता रहा हूँ, उसने बोला भाई कुछ कोई टैलेंट नहीं देखा, सिर्फ जाना, कॉन्फिडेंस देखा। सबसे इंपॉर्टेंट यार, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस। अगर तुम चाहते हो कुछ एक कॉन्फिडेंस पे वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट कर देना यार, राघव मेक अ वीडियो ऑन कॉन्फिडेंस, बड़ी बहुत अच्छी वीडियो बना सकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर लेके जा सकते हो। अगर चाहते हो तो कमेंट करना। अगर जेडी रूम में कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है, तो अब जो मेरे दोस्त PI राउंड तक गए हैं वो आपको टीवी पर दिख जाएंगे, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि मूविंगशिप हमेशा सच के साथ चलते हैं। तो आखिर में मैं आपको जाने नहीं दूंगा ऐसे, बस ये बात जरूर कहूंगा कि अभी तो इस बात की असल उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, तो अपने हौसलों को कभी टूटने ना दीजिएगा। तो बहुत धन्यवाद आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए themovingship। बस ये कहूंगा कि अपनी माँ का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लोहड़ी आप सबको।